और चलिए बात करेंगे खबरों में हल्द्वानी की, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र के स्कूल संचालकों और प्रधान आचार्यों के साथ एक वार्ता की है। इस वार्ता के माध्यम से नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर दोपहिया वाहनों पर विद्यालय आने वाले छात्रों को रोकने और उनके अभिभावकों को इंगित करने के अलावा विद्यालयों के बाहर और कक्षाओं में आदि सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक महीने के बाद जिस विद्यालय में अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे उन्हें नोटिस दिया जाएगा। साथ ही दोपहिया वाहन पर आने वालों नाबालिग छात्रों पर खास तौर पर नजर रखने के अलावा उनके माता पिता को स्कूल बुलाकर उन्हें चेतावनी देने को भी कहा है। वहीं विद्यालयों के बाहर अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस को भी मुस्तैद रखने की बात की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज कोतवाली परिसर के सभागार में एसएसपी नैनीताल द्वारा हल्द्वानी शहर के जितने भी प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी के प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के लोगों को बुलाया था। इसमें जो पुलिस से संबंधित, अभिभावकों से संबंधित और जो स्टूडेंट से संबंधित समस्याएं थी वो डिस्कस करनी थी। अभी हम लोगों ने अभियान चलाया था नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने के खिलाफ, उसमें उनको क्या कार्रवाइयाँ करनी है ये बताना था। साथ में ही जो साइबर देखा कि एक एसएसपी सर ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें जितने भी हल्द्वानी के स्कूल हैं, लालकुआं तक के भी, इसमें सारे स्कूल के प्रधानाचार्यों को बुलाया गया था और उनके साथ जो जो हमारी पुलिस की जो योजनाएं चल रही हैं, जो सुरक्षा को लेकर चल रही हैं, जो नशे को लेकर चल रही हैं, उनके बारे में उनसे बात किया गया। और एक अपील यहाँ पर उनसे की गई है कि जैसे जो नाबालिग बच्चे स्कूल बाइक लेकर आ रहे हैं, स्कूटी लेकर आ रहे हैं, उसमें हमें उनसे कैसे सहयोग चाहिए नशे को लेकर, क्योंकि बच्चे जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में बिताते हैं, तो हमने नशे को लेकर और जो बाइकर्स हैं और उस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंटल घटनाएँ बढ़ रही हैं।